ये आप देख रहे हो कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। आज मैं मिनी वाटर पंप बनाने वाला हूँ। मैं 4 वोल्ट का मोटर लिया हूँ और कुछ ढक्कन लिए है। मैंने एक ढक्कन मैंने लिया हुआ है जिसको मैंने बीच से यहाँ पे होल कर रखा है, ऊपर भी होल कर दिया और यहाँ पे छोटा सा पाइप लगा दिया है मैंने। और एक और ढक्कन लिया हूँ मैं ताकि मैं इसको कवर कर सकूँ पूरा। ये मैंने 2 होल कर रखे हैं इस ढक्कन में। मैं दोनों तार यहाँ से बाहर निकालूंगा और अच्छे से यहाँ पे फेविक्विक से जाम कर दूंगा ताकि यहाँ से पानी अंदर ना जा सके और मेरा मोटर ना खराब हो। मैंने एक और पीस कट किया है मैंने सर्कुलर टाइप का और यहाँ पे काफ़ी सारे छेद कर रखे हैं मैंने। और एक और मैंने यहाँ पे प्रोपेलर बनाया हुआ है, डब्बों को ही काट करके मैंने बनाया है इसे। यहाँ पे मैंने रिफिल बीच में रख दिया है ताकि मैं इस मोटर को इसके अंदर फिक्स कर सकूँ इस रिफिल के अंदर। और छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने यहाँ पे चिपका रखे हैं और ये एक पंखे की तरह दिख रहा है, एक प्रोपेलर की तरह काम करेगा और मेरे पानी को ऊपर लाने में मदद करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि इसमें जो है सो इसमें मैंने पहले से ऑलरेडी चिपका रखा है एक छोटा सा ऐसा सर्कुलर काट करके डिब्बे से और चिपका दिया ताकि यहाँ से भी पानी मेरे मोटर में ना जाए। अब मैं इसे यहाँ पे चिपका दूंगा ऐसे करके। और इसे चिपकाने के बाद मैं यहाँ से प्रोपेलर इसमें डाल दूंगा। ये प्रोपेलर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बढ़िया से चेक करना है कि ये पूरा अच्छे से घूम रहा हो तब तो ठीक है, वरना मुझे सेट करना पड़ेगा। ये भी घूम रहा है तो अब मैं ये वाली ढक्कन को इसके ऊपर कवर कर दूंगा। ऐसे चिपक जाने के बाद मैं लास्ट में इसे इन दोनों तार को अंदर घुसा के और इसको पूरे पूरा पूरी पैक कर दूंगा लाइक दिस, जिससे कि मेरे मोटर में पानी नहीं जाएगा और मेरा मोटर खराब नहीं होगा और ये वाटर प्रूफ बन जाएगा। तो मैं सारा चिपकाने के बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल टच। सो गाइज, ये बन के रेडी हो चुका है हमारा मिनी वाटर पंप और मैं इसे USB से चलाने वाला हूँ। मैंने इसे एक खराब माउस से काट के निकाला हुआ, चूहा ने इसको पूरा बर्बाद कर रखा था। ये थोड़ा सा वायर इसमें ऐड करके मैंने इसको लंबा कर दिया है और मैं इसको मोबाइल चार्जर की मदद से चलाऊंगा। आप इसको बैटरी की मदद से भी चला सकते हो, 4 वोल्ट की बैटरी से आराम से चलेगा ये, 4 वोल्ट का मोटर लगा है इसमें। तो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, सो लेट्स सी इज इट वर्क और नॉट। जैसा कि आप देख रहे हो ये रन कर रहा है। अब इसको सिर्फ पानी में डालने की देरी है और यहाँ से पानी निकलेगा। टेस्ट ट्राई। तो मैं इसका अब टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। मैंने इसे पानी में डिप कर रखा है, अभी मैं देखता हूँ कि इससे पानी बाहर निकलता है कि नहीं। स्विच ऑन करने जा रहा हूँ मैं, ये मैंने ऑन कर दिया और ये आप देख रहे हो कि पानी यहाँ से निकल रहा है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप इसका इस्तेमाल इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट में कर सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट में, सिंचाई का साइंस प्रोजेक्ट बना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बढ़िया पानी इससे निकल रहा है। इसमें हाई RPM का अगर मोटर यूज किया जाए तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और हम इसको झरने वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं झरना बनाने के लिए। ये मेरे पास 6 वोल्ट का मोटर है। मैं इस 4 वोल्ट के मोटर को रिप्लेस करके 6 वोल्ट वाले मोटर को लगा के देखता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं, इसकी स्पीड बढ़ती है या नहीं। सो लेट्स ट्राई गाइज। मैंने 4 वोल्ट का मोटर निकाल करके 6 वोल्ट का मोटर रिप्लेस कर दिया है। अब देखते हैं इसकी स्पीड कितनी रहती है। ये आप देख रहे हो कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, ये काफ़ी दूर जा रहा है। तो इसी तरह से आप हाई RPM का यूज़ करके आप इसको स्पीड को बढ़ा सकते हो। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।